गुड इवनिंग बच्चों। आपका जो पिछले लेक्चर्स में मेरा क्वेश्चन चल रहा था है ना, तो उसी टॉपिक को लेकर के फिर से और क्वेश्चन करेंगे है ना। क्वेश्चन जब तक करेंगे जब तक कि एकदम फुल्ली कमांड ना हो जाए, तो उसी के टॉपिक के और क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखना शुरू करें फटाफट, जो भी क्वेश्चन आपने लिखा था उसके आगे लिखना शुरू करें। मैं बोल रहा हूं लिखो, सी एस बी आर क्रिस्टलाइज इन ए बी सी सी लैटिस फुल स्टॉप द यूनिट सेल लेंथ इज 436.6 PM गिवेन, ब्रैकेट में लिखो, गिवेन दैट ब्रैकेट में लिखना है ये, गिवेन दैट एटॉमिक मास ऑफ सीजियम, गिवेन दैट एटॉमिक मास ऑफ सीएस यानी सीजियम बराबर 133 एंड बी आर बराबर 80 एएमयू, एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ब्रैकेट बंद। फाइंड द डेंसिटी तो हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है बेटा जी, जेड इंटू एम अपॉन क्या लिखते हैं, एन ए इंटू ए क्यू। पक्का लिखो लिखो पहले, इतना लिखा बेटा। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मैंने क्या ले रखा है, बीसीसी ले रखा है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक ले रखा है, ठीक। पिछले टर्म में बताया है बीसीसी के लिए क्या लेंगे, एम बराबर देखो है ना, जेड बराबर क्या कंसीडर करेंगे बीसीसी के लिए, मैं लिखवा चुका हूं, सॉल्व कर सकते हो। एम बराबर सबको जोड़ जाड़ करके जो मेरे पास आ रहा है 213 आ रहा है, एन ए आपको पता है, और ए क्यूब की अगर मैं बात करता हूं, ए की वैल्यू दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, 4436.6 PM दे रखा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 436.6 है ना, इंटू 10 की पावर सेंटीमीटर में अगर चाहोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का इस वैल्यूज को पुट करोगे यहां पर और आपका आंसर निकल के चला आएगा, राइट। लिखो, अगला सवाल एन एलिमेंट ये भी लिख दूं क्या, दो होता है ना, चलो एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास इज 50 कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ इज 290 PM, राइट। फिर से वही फॉर्मूला, डी बराबर क्या करेंगे, जेड इंटू एम हा और एन ए इंटू ए क्यूब, राइट, और जेड बराबर कितना हो जाएगा 2, एम बराबर कितना हो जाएगा 50, ए की बात कह रहा, ए कितना दिया सवाल में 290 PM,
तो 290 पीएम का मतलब मैं समझ सकता हूं कि 290 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, समझ आ रहा है ना। चलो उसको हटाओ, उसको अलग रखो। अब यहां पर डी निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 × 50, हाँ, और 6 × 10 की पावर 23 इंटू 290 इंटू 10 की पावर -10, है ना, का कितना बच्चों क्यूब, पक्का नोट करो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्या इससे पहले वाले का भी आंसर बता दूं मैं, इससे पहले वाले का, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है 4.26, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आ रहा है। और इसका जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। बोले बोले बेटा लिखो, ए मेटल क्रिस्टलाइज, सॉरी क्रिस्टलाइजेस, क्रिस्टलाइजेस इंटू टू क्यूबिक फेजेस, है ना, क्यूबिक फेजेस एफसीसी एंड बीसीसी, है ना, एफसीसी एंड बीसीसी, है ना, एफसीसी एंड बीसीसी, whose unit length are 3.5 angstrom and 3 angstrom respectively, full stop, find the ratio of, find the ratio of densities of FCC and BCC। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, है ना, D बराबर क्या जानते हैं, Z into M, है ना, और बच्चों NA into AQ, पक्का। मेरे को मामला इसमें चाहिए और इसमें चाहिए, ये डायरेक्टली होगा, ये इनवर्सली होगा, पक्का। तो मैं ये कह सकता हूं कि D1/D2, हाँ, बराबर क्या कह सकता हूं कि बच्चों बताओ, या मैं ये कह सकता हूं इसको A1 मान लूं, तो A हो जाएगा, है ना, समझना, इसको A1, इसको मैं मान लेता हूं A2, इनवर्स है ना, A2 का क्या क्यूब और A1 का क्या क्यूब इनटू, मैं क्या कह सकता हूं कि Z1/Z2, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बच्चों बताओ। Z1 के लिए कह रहा है बेटा जी, सुनो, Z1 के लिए कह रहा है ये FCC, राइट, तो Z1 FCC का मतलब 4, और Z2 कह रहा है वो आपसे सवाल में BCC, तो BCC का मतलब 2, है ना। A1 और A2 की वैल्यू उसने दे रखा है बच्चों, A2 कितना दे रखा है 3, और A1 कितना दे रखा है, A2 कितना दे रखा है 3, और A1 दे रखा है आपका 3.5। तो मैं ये भी कह सकता हूं इस केस में कि भाई D1/D2 बराबर, देखो अब यहां पर दे रखा है A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब, और इसके बाद बच्चों 3.5 का क्यूब इंटू बेटा जी 4/2, जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1.26, क्या मिलेगा 1.26, सॉल्व करो, आप भी सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे कैसे सॉल्व होता है वो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं,
नोट करो। अगला सवाल लिखो। बोले लिखो बाल को। द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एन FCC क्रिस्टल विथ डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड इज लेंथ इक्वल टू 100 PF पिकोमीटर, है ना, 100 PM। ठीक, तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम निकालना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले महान काम ये करें कि मोलर मास निकाल लें। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, D बराबर क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन बेटा जी Na इंटू क्या होता है, ए क्यूब। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए m, तो m बराबर क्या आएगा भाई, देखो d इंटू एन ए और इंटू ए क्यूब अपॉन z। अच्छा एक बात बताओ, d कितना सवाल में गिवन है, d दे रखा है 10 दे रखा है, एन ए से आप फैमिलियर हो, 6 × 10^23। ए की बात कर लेते हैं, ए दे रखा 100 PM, तो 100 PM का मतलब क्या हुआ, 100 × 10^-10 पक्का, है ना, और ये भी किस में आ जाएगा, क्यूब में, पक्का। और सवाल में क्या कह रखा है, Z, तो FCC की बात कह रहा है, तो आप फैमिलियर हो, FCC कितने के लिए, Z कितना हो जाएगा 4। अब हमने सॉल्व किया तो हमको मिल रहा है आंसर 1.5 ग्राम, राइट, क्या मिला 1.5 ग्राम। अब इसने पूछा नंबर ऑफ एटम, तो बच्चों नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम के लिए आप जानते हो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, पक्का। मोल कितना निकाला, मोल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो, वेट अपॉन बच्चों मॉलिकुलर वेट, ऐसा करते हो, और इंटू एनए से आप फैमिलियर हो। अब सवाल में वेट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में वेट दे रखा है आपका 100 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है, मॉलिकुलर वेट अभी आपने कितना निकाला 1.5 और 6 × 10^23। कुछ ऐसा करते हो आप, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को मिलेगा 4 × 10^25। इसमें कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ, सारी बातें क्लियर है, नोट करो बेटा।